आजकल तो लोग साइलेंट रहते हैं। अब ये देखें चिप्स को मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं चिप्स को ओवन के अंदर रखूंगी। ये देखें ओवन के अंदर। अलीजे आए, अलीजे, अलीजे, देखे मैंने चिप्स अब ओवन के अंदर रख दिए। अब आपको थोड़ी देर में ये इतनी अच्छी और यम्मी मिलेगी होममेड चिप्स। और फिर मैं आगे इसका क्या करती हूँ ये भी देखिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप कमेंट्स करते रहते हैं लेकिन चैनल भी सब्सक्राइब किया करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ, काम भी करती हूँ और घर का भी करती हूँ। ये देखें साथ साथ मैं बर्गर बना रही हूँ। चिकन स्टेक बर्गर मैंने बाज़ार से मंगाए थे और मैं अब फ्राई कर रही हूँ। ये देखें फ्राई करके तो मैं बर्गर बना के दूंगी इनको घर में। घर में बर्गर चीप पड़ते हैं, जो बाहर से मिलते हैं इतने महंगे पड़ते हैं। तो आज थोड़ा स्नोई वेदर था तो फजान कह रहा मामा चिप्स बर्गर ही बना दो, और अलीजा भी सारे। और चिप्स हमारी ये देखें रेडी हो रही है, फिर ग्रिल्ड हो रही है, फिर इसके बाद चिप्स भी रेडी हो जाएगी। अब हमने ये चिप्स बना ली है, अब हम हसन को सर्व करेंगे। हसन ही रिव्यू देंगे कैसी बनी है। आई थिंक यमी बनी है। वेदर वेरी बैड है, हमारे गार्डन पे ना जाइएगा, हसन अभी सेट कर देंगे गर्मियों में। यस हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं जनाब थोड़े शॉर्ट वाइल के लिए आया हूँ जनाब ये रिव्यू देने के लिए, क्योंकि आज सादिया जी ने ये बहुत कमाल जो है एक चिप्स बनाई है, जिसको कि आप चीज़ी चिप्स बोलते हैं। और वाकई हकीकत बात है बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और ये हम जब अपने टाइम में स्कूल कॉलेज के टाइम में जो खाते रहे ना, उस तरह का मज़ा डाल दिया कि ऊपर चाट मसाला डाला हुआ, चाट चिप्स कैचअप मिक्स करके फिर खाना है। तो ये जनाब आप भी आए और खाइए, आप खुद बनाएं और खाएं। अगर हमारे पास होते तो हम आपको बना के खिलाते। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।